नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आज आपकी दादी नानी फिर एक नई कहानी सुनाने के लिए आपको हाजिर है। आज रामचरितमानस में से मैं प्रताप भानु राजा की कहानी आपको सुनाऊंगी। कई देश के राजा थे सत्यकेतु, उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु और छोटे का नाम था अभिमर्दन। राजा सत्यकेतु के बाद बड़ा बेटा प्रताप भानु राजगद्दी पर विराजमान हुए। राजा प्रताप भानु सदाचारी धर्म परायण थे, सारे काम काज वेदों और शास्त्रों के अनुसार ही करते थे। वे ब्राह्मणों और संतों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार के लिए वन में गए, अचानक उनकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा किया। जंगली सुअर छिपता और छिपाता भाग निकला और राजा प्रताप भानु में पीछे पीछे तीव्र गति से चलते गए। उनके सारे साथी पीछे छूट गए। सुअर का पीछा करते करते राजा बिल्कुल जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, रास्ता भूल गए और सुअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। आधी रात हो गई थी, तभी उन्हें वहां एक कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में एक मुनि रहते थे जो कपटी थे। पहले वे राजा थे जो युद्ध में प्रताप भानु जी से ही हारे थे। तब वे शर्म के मारे अपने राज्य में वापस नहीं गए, ना किसी से संपर्क किया, वेश बदल कर जंगल में रहने लगे। राजा प्रताप भानु ने अपना घोड़ा एक पेड़ में से बांधा और कुटिया में उस मुनि से मिले और उसे नमन किया। कपटी मुनि ने आसन दिया, पानी पिलाया, अनजाना बनते हुए परिचय पूछा। राजा प्रताप भानु ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा कि वे राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं जो शिकार करने आए थे और प्रताप भानु जी से बिछड़ गए हैं। इतना सुनते ही कपटी मुनि ने कहा, आपने नीति का पालन करते हुए अपने आप को छुपाया, मुझे अच्छा लगा। नीति यही कहती है कि अपने परिचय सबको नहीं देना चाहिए। राजन प्रताप भानु। इतना सुनते राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कपटी मुनि से घोर जंगल में निवास और उनके बारे में जानकारी पूछी। कपटी मुनि ने बताया कि जब से पृथ्वी बनी है उनका एक ही जन्म होने के कारण से उनका नाम पड़ा एक तनु, और वे तपस्या में रत रहते हैं। हे राजन, मैंने तुम्हारे में चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्षण देखते हैं। उस कपटी मुनि ने अपनी बातों में राजा को पूरी तरह से जीत लिया था और साथ में एक लालसा पैदा कर दी थी कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। राजा प्रताप भानु उनके मायाजाल में फंस गए थे और फिर वो चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन सकते हैं, इस पर विचार विमर्श करने लगे। कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि उनके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के शाप से आ सकता है। इस संसार में ब्राह्मणों के शाप के अतिरिक्त कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए सभी ब्राह्मणों का निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मणों के लिए भोजन तो मुझे बनाना पड़ेगा। आज से करीब 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, इस घटना के बारे में बताऊंगा जिससे तुम मुझे पहचान लेना। हमारे इस मिलन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अब रात बहुत हो गई है, आप आराम करें। सुबह घोड़े समेत अपनी शक्ति से मैं आपको राजमहल पहुंचा दूंगा। जब राजा जी को नींद आ गई, तब वही सुअर जिसका वो पीछा कर रहे थे वो वहां पर आए। कपटी मुनि से बात की, वो भी राक्षस कालकेतु था। उसके भी 100 पुत्र और 10 भाइयों को प्रताप भानु जी ने मारा था। अब वो दोनों मिलकर ही प्रताप भानु जी से बदला लेने के लिए चक्रव्यूह रच रहे थे। सोते हुए राजा को मायावी राक्षस ने घोड़े सहित उनके राज्य में छोड़ दिया। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का वेश बनाकर राजा प्रताप भानु के पास आया और जंगल की बात ही याद दिलाई। राजा प्रताप भानु ने 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित भी कर लिया
राक्षस ने माया से बहुत सारे व्यंजन तैयार किए, लेकिन उनमें मांस पकाया गया था। जब ब्राह्मण भोजन खाने लगे तभी आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, आप जो खा रहे हो उसमें तो मांस है। इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को शाप दिया और वे कुल समेत राक्षस हो जाए। इधर उस कपटी मुनि को यह खबर मिलते ही उसने आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया, राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में उनका सारा वंश नष्ट हो गया। वही राजा प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्मे और उनका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा। राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि रावण के भाई विभीषण के रूप में जन्मा। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये कहानी भी हमें शिक्षा देती है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करें। जो हमारी प्रशंसा करता है तो कृपया करके उस पर बात पर मनन करें कि क्या वो सच में सच्ची है। अपने मम्मी पापा को हर बात बताएं, अपने दादा दादी को बताएं, जिससे आपको सही मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। तो जय श्री राम।